यूपी लाइव टुडे नजर सच पर। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। सत्य हिंसा जिंदा बोल। किस योजना के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है? योजना नहीं है, हम लोग रघुपति राघव राजा राम पकित पावन ये नारा लगाते हुए हम लोग घूम रहे हैं और गांधी के अहिंसा पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हिंसा का वातावरण है, आज नफरत का वातावरण है, आज घृणा और द्वेष की भावना लोगों में पनप रही है, उसको खत्म करने के लिए गांधी की भावना पर, गांधी के विचारों पर चलें और गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पंडित पावन सीताराम ये हम लोगों को समझाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह आज से शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। अब की बार गांधी जयंती को हम लोग बहुत ऐतिहासिक माना जाते हैं और पूरे जिले में क्या पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम चल रहा है और आज से लेके और 1 अक्टूबर तक हर चौराहे पर ऐसे ही हम लोग जो है राम धुन बजाते हुए गांधी जी का जो भी भजन था उसको बजाते हुए और ऐसे सबको लगाते रहेंगे, क्योंकि आज के परिवेश में गांधी जी को लोग भूल जा रहे हैं। गांधी जी ने जिस तरीके से देश को आज़ाद कराया था, आज के युवक, आज के बच्चे उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, गांधी जी ने जो अटैक किया था अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों का बिजनेस चौपट कर दिया था। अंग्रेज यहाँ बिजनेस करने आए, लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया था कि गांधी जी ने उनका बिजनेस ही चौपट कर दिया। देखिए, हम लाठी भाला भरता से तो नहीं लड़वाते उनसे, उनके पास तोपे थी, बंदूकें थी, उनके पास हथियार थे, हमारे पास हथियार नहीं था। लेकिन गांधी जी ने जिस तरीके से अटैक किया था उनके ऊपर, आप जब उसको गांधी जी की जीवनी पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के नेता भाग ले रहे हैं और इसमें जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है उनको ये अनुभव कराने आए हैं कि हमको गांधी के अहिंसा वाले मार्ग पर ही चलना है और वही सबसे बड़ी जीत के कारण हो सकता है। देश दुनिया की खबरों और जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए यूपी लाइव टुडे के चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। नजर सच पर।